मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा जिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ न सिर्फ मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है बल्कि भारत देश के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाला केंद्र बिंदु है। बड़ी पहचान यही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिला है। वह कमलनाथ जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल प्रस्तुत करते हुए मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन कुछ दिन में वो सरकार चली गई। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। विकास कार्यों में श्रेय लेने की होड़ तो मची ही रहती है। श्रेय लेने की होड़ इस जिले में भी घटित हो रही है। किसने विकास किया, किसने विकास में अवरोध उत्पन्न किया, ये सबके सामने है। ताजा घटनाक्रम छिंदवाड़ा से रीवा ट्रेन, छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन किसने चलाई, किसकी मेहनत रंग लाई, इसे लेकर दस्तावेजी प्रूफ तक रख दिए गए। जरा सुनिए। विधानसभा को लेकर कांग्रेस की रणनीति है कि सत्ता और संगठन, सारे हमारे जो पूर्व पदाधिकारी हैं बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रभारी तक, सब लोग एक साथ मिलकर आपस में तालमेल करके कांग्रेस कमेटी के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके आदेश में एक साथ काम करें और कमलनाथ जी को भारी मतों से। 9 मई को परासिया में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसको लेकर क्या रणनीति? रणनीति है कि हम लोगों को सारे जिले की महिलाओं को और सभी लोगों को, आप सब लोगों को आमंत्रित करके सबको लेकर वहाँ पहुँचना है। और जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो खास करके हमारी माँ बहनों के लिए हैं, जो सिराज जी ने झूठी घोषणा करी 1000 रुपये देने की, वो सिर्फ चुनाव तक का वादा है, लेकिन हमारा वादा 5 साल के लिए कि हम हर माँ बहनों को 1500 रुपये हर महीने 5 साल तक, जब तक हमारी सरकार है तब तक हम लोग देंगे। 500 रुपये में रसोई की गैस देंगे, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे और बाकी घोषणाएँ कमलनाथ जी खुद करेंगे। रीवा में आने के बाद प्रधानमंत्री को छिंदवाड़ा का नाम लेना पड़ा, यहाँ के विकास का सवाल उन्होंने उठाया, क्या कहना? देखिए, माननीय मोदी जी को छिंदवाड़ा के विकास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो उन्हें जो लिख के दे देते हैं या बता देते हैं उस बारे में बोलते हैं। और जहाँ कमलनाथ जी का मामला, मैंने पहले ही कहा कि कमलनाथ जी कांग्रेस के देश के टॉप 10 लोगों में से हैं, तो कमलनाथ जी को घेरने का जो उनका रहता है, एक मुद्दा रहता है, उसी आधार पर छिंदवाड़ा को बार बार किया जाता है, प्राथमिक उसको आरोप लगाया जाता है। जिस तरीके से कमलनाथ के गढ़ को घेरने की तैयारी भाजपा कर रही, क्या सैंध लगा पाएगी भाजपा? आप सबका सहयोग रहेगा तो कैसे सिंह लगा पाएगी छिंदवाड़ा की जनता को? कमलनाथ जी से चर्चा कौन मिल सकता है? और आप छोटे हो, हम लोग, मैं खुद भी बहुत छोटा था जब कमलनाथ जी आए थे, उस समय का छिंदवाड़ा आपने देखे होते, एक ढंग से बिजली का बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं होता था। आज छिंदवाड़ा में जो विकास आप बाकी जिलों में देखो और इस जिले में देखो, कितना अंतर, आप खुद ही निर्णय करिए। और ये कहाँ नहीं, ये हमारा हिमाचल में लागू होगी, राजस्थान में लागू होगी, छत्तीसगढ़ में लागू होगी, जहाँ हमारी सरकार वहाँ लागू होगी। और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कहा कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोविड हमारे भैया हैं ये बड़े आदमी को नहीं देंगे, सबको देखने के बाद दीपक सक्सेना को नहीं मिलेगी, नगर जी का 100 रुपये 100 यूनिट सबको माने सर बिल्कुल। और ऐसा ही 500 रुपये में गोविंद भाई को भी मिलेगी, मिलेगी सबको मिलेगी 500 रुपये। बात
ट्रेन प्रारंभ करने की बात आई, आपने देखा कि कल केंद्रीय मंत्री मनोज सिंह छिंदवाड़ा आए और उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कोई छिंदवाड़ा को दिया नहीं, ये बड़े शौक से बड़े ठाट से हरी झंडी दिखाने यहाँ आ गए। ठीक है, उनका उनकी सरकार वो लोग सत्ता में हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सांसद जी ने कई बार चिट्ठी लिखने के बाद, कई बार लोकसभा में प्रश्न उठाने के बाद उन्होंने ट्रेन प्रारंभ कराई है, और जब ट्रेन प्रारंभ हुई तो उस मंच पर हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी थे, तिवारी जी थे, हमारे महापौर जी थे। प्रोटोकॉल के तहत आप सब जानते हो कि महाकाल मंच से सिर्फ केंद्रीय मंत्री जी ने संबोधन किए, अपनी बात मन से उन्होंने कही। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के प्रथम नागरिक, निगम के प्रथम नागरिक को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया, हमारे वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना जी को बोलने का मौका नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है संजय कुमार जी हमारे राज्य मंत्री। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।